सो गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लेटेस्ट सर्कुलर आया है हम सबके लिए, जिसमें हम सबका बहुत बड़ा फायदा दिया है, रिलैक्सेशन दिया है सरकार ने। मॉनेटरी लिमिट यानी कि अपील फाइल करने की जो लिमिट होती थी डिपार्टमेंट के द्वारा, सरकार ने उसको बढ़ा दिया है। तो जिसकी वजह से हम लोगों को एज अ असेसी, एज अ टैक्स पेयर, जितने भी हम लोग अपनी आईटीआर फाइल करते हैं ना, उन सबको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो गाइज, इस वीडियो में पूरा डिटेल में इस सर्कुलर के बारे में समझाने वाला हूं, जो कि कल रात का सर्कुलर है 17 सितंबर का। और गाइज, आज हमारी वीडियो जा रही है 18 तारीख को, तो मैंने सोचा जल्दी से आपको अपडेट दे देता हूं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। और गाइज, अगर आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं कोई भी लेटेस्ट सर्कुलर हो, जीएसटी, इनकम टैक्स, टैक्सेशन से रिगार्डिंग, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। गाइज, फ्री है सब्सक्राइब करना, नीचे लाल बटन आपको दिख जाएगा, उसे दबा दो ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए ना तो आपसे मिस ना हो। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर आपको इस सर्कुलर की कॉपी मिल जाएगी। सो गाइज, बात करते हैं सर्कुलर नंबर 9/2024 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू करा है, सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। गाइस, 17 सितंबर की डेट का है कि फर्दर एनहेंसमेंट ऑफ मॉनेटरी लिमिट फॉर फाइलिंग अपील बाय डिपार्टमेंट बिफोर इनकम टैक्स अपलेंट अथॉरिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, आईटीएटी कह देते हैं, हाई कोर्ट, या फिर एसएलपी फाइल कर रहे हो, अपील फाइल कर रहे हो किसके अंदर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे। तो मॉनेटरी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब मॉनेटरी लिमिट दोस्तों आपको ध्यान से समझनी है कि इसका मतलब क्या है। गाइस, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर पहले भी कोई मॉनेटरी लिमिट थी? बिल्कुल थी गाइस, पहले क्या थी और अब क्या है, तो दोनों को कंपैरिजन करके बताने वाला हूं विद एग्जांपल, ताकि आप कनेक्ट कर पाए। वीडियो का जो पर्पस है गाइस, मेरा फुलफिल करना यही होता है कि आपको समझ आना चाहिए कंटेंट। सो गाइस, सरकार का एक कदम और है लिटिगेशन कम करने के लिए, यानी कि जो केसेस चल रहे हैं ना असेसी के बीच में, जो टैक्स पेयर डिपार्टमेंट है, तो उनके बीच में सारे जो लिटिगेशन के केसेस चल रहे हैं वो कम से कम हो जाए, तो ये अच्छा एक डिसीजन लिया है सरकार ने। तो क्या कहता है दोस्तों सर्कुलर, कि एज अ स्टेप टुवर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ लिटिगेशन इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू रिवाइज द मॉनेटरी लिमिट फॉर फाइलिंग अपील इन इनकम टैक्स केसेस एज स्टेटेड इन पैरा 4 ऑफ द अफोर्शन मेंशन सर्कुलर एज फॉलोज। गाइज, यहां पर ना एक पुराने सर्कुलर की बात की गई है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर लिखी गई थी पहले क्या मॉनेटरी लिमिट कितनी है और अब कितनी बढ़ाई है, वो इस लेटेस्ट सर्कुलर 9/2024 में लिखी गई है। तो गाइस, जो पुराना सर्कुलर था, हालांकि वो भी मैंने यहां पे ओपन कर रखा है, 5/2024 था, जिसके अंदर जो लिमिट थी, पुरानी लिमिट क्या थी और नई लिमिट क्या है, वो दोनों बताने वाला हूं। तो पहले मैं आपको नई लिमिट दोस्तों बता देता हूं। क्या कहता है कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपका असेसिंग ऑफिसर कोई ऑर्डर पास करता है, क्या फॉर सीआईटी अपील पास करता है, या आईटीएटी अपील फाइल कर देती है, या सुप्रीम कोर्ट जो है आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास करता है, सॉरी हाई कोर्ट ऑर्डर पास करता है, तो उस केस में अब डिपार्टमेंट जो है किस लेवल तक, किस मॉनेटरी लिमिट को देखते हुए आपके अगेंस्ट में जा सकता है। तो गाइज, अगर मैं बात करूं यहां पे अपील और एसएलपी के लिए, यानी कि स्पेशल लीव पटिशन अगर फाइल करनी है इनकम टैक्स मैटर्स के अंदर, तो गाइज इनकम टैक्स के मैटर के साथ साथ यहां पे टीडीएस और टीसीएस के मैटर भी कवर है। बाकी जो सारे मैटर है ना, जहां पे अगर मैं बात करूं जीएसटी के, सीबीआई की रेड हो गई, ईडी, तो वो सब यहां पे कवर नहीं है, वो अलग केसेस कैटेगरी में जाएंगे। यहां पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सीबीडीटी ने सर्कुलर लगाया, तो इनकम टैक्स मैटर्स को लेकर अगर अपील फाइल कर रहा है डिपार्टमेंट, तो मॉनेटरी लिमिट क्या है। तो गाइस, कहता है कि अगर बिफोर आपको इनकम टैक्स अपेलेंट ट्रिब्यूनल यानी कि आईटीएटी के आगे अपील फाइल करनी है डिपार्टमेंट, तो गाइस उसकी लिमिट अब 60 लाख रुपए कर दी है। हाई कोर्ट के आगे अपील फाइल करनी है तो 2 करोड़ रुपए कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आगे अगर आपको अपील फाइल करनी है डिपार्टमेंट को, तो 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। गाइस, अब बात कर लेता हूं जो पुराना सर्कुलर यहां पे रेफर किया है, जिसका नाम है 5/2024। तो गाइस उसके अंदर आप यहां पर देखेंगे, तो गाइस उसके अंदर यहां पर जो हमारी मॉनेटरी लिमिट थी वो हमारी कितनी थी, 50 लाख। यानी कि आईटीएटी के आगे अगर डिपार्टमेंट को अपील फाइल करनी है, तो पहले 50 लाख की लिमिट थी। यानी कि मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कि मान लेते हैं कि आपके अगेंस्ट में असेसिंग ऑफिसर ने 55 लाख रुपए का ऑर्डर निकाल दिया, कि आपके अगेंस्ट में एक ऑर्डर केस फाइनल कर दिया, डिमांड निकाल दी कि आपको 55 लाख रुपए देने हैं। तो गाइस उस केस में अब क्या करेगा, डिपार्टमेंट सीआईटी अपील में जाएगा, या फिर आप भी सीआईटी अपील में जा सकते हो। तो मान लेते हैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप सीआईटी अपील में चले गए, पहले आप चले गए, अब सीआईटी अपील ने ऑर्डर आपके फेवर में कर दिया। अब दोस्तों अगर आपके फेवर में ऑर्डर आ गया ना, तो अब उस केस में डिपार्टमेंट यहां पर
नए सर्कुलर के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों उसकी लिमिट कितनी है 60 लाख, अब उस नई लिमिट के हिसाब से डिपार्टमेंट सीआईटी अपील का जो ऑर्डर आया है 55 लाख रुपए का या उससे कम का जो भी निकाला है, तो गाइज अब आईटीएटी में जा नहीं सकता, यानी कि अब डिपार्टमेंट को कई बार सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हो डिपार्टमेंट का यहां पे रेवेन्यू लॉस हो रहा था, लेकिन सरकार ने यह बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि मॉनेटरी लिमिट को बढ़ा दिया है, जिससे लिटिगेशन दोस्तों कम हो जाएगी। यानी कि अब डिपार्टमेंट जो है अगर 60 लाख या उससे ज्यादा की कोई अपील का ऑर्डर हुआ आपके अगेंस्ट में, एसएससी के अगेंस्ट में, तो गाइस उसके केस में आईटीएटी के अंदर जा सकता है। तो जैसे इस केस के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं पुराना सिनेरियो बताऊं जहां पर 50 लाख की लिमिट थी, जहां पर अगर हाई कोर्ट के आगे अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करता तो वहां पे 1 करोड़ की लिमिट थी, सुप्रीम कोर्ट के आगे करता तो वहां पे 2 करोड़ की लिमिट थी। तो गाइस इन सबको बढ़ा के आप देख सकते हैं कि जो 50 लाख वाली लिमिट है उसको 60 लाख कर दिया है, जो हाई कोर्ट वाली लिमिट है 1 करोड़ की उसको 2 करोड़ कर दिया है, और जो सुप्रीम कोर्ट वाली 2 करोड़ की लिमिट है उसको 5 करोड़ कर दिया है। यानी कि एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लें कि आपके अगेंस्ट में आईटीएटी अपील्स ने ऑर्डर पास कर दिया, यानी कि आपके फेवर में पास कर दिया, और जो ऑर्डर की वैल्यू थी, आईटीएटी अपील ने ऑर्डर पास करा और दोस्तों ऑर्डर की वैल्यू थी 1.5 करोड़, कितनी थी 1.5 करोड़ के ऑर्डर की ऑर्डर आपके अगेंस्ट फाइल कर दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है ना सोच भी नहीं सकता कि वो आपके अगेंस्ट हाई कोर्ट में चला जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में अपील में जाने के लिए ऑर्डर की जो मॉनेटरी लिमिट वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 करोड़। तो गाइज यहां पर सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, एक वेलकम मूव की गई है जहां पर लिटिगेशन को कम कर सके। तो गाइज अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है ना तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोनों सर्कुलर की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। और गाइस अगर वीडियो ने कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम, ताकि सब इस सर्वर का बेनिफिट उठा सके। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।